आज मैं आपको दुनिया के तीन ऐसे पक्षियों से मिलवाने वाला हूँ जो कि पक्षियों द्वारा खुद से बनाए गए इनके घरों के बारे में, यानी उनके घोंसलों के बारे में। उनके पहाड़ों, पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियों और झाड़ियों में बने पक्षियों के घोंसले तो आपने देखे ही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी की मदद के ये ऐसी कारीगरी कैसे कर लेते हैं? वीडियो में हम आपको ये राज बताने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर लो भाई। नंबर 3, एल्फ आउल। यूं तो उल्लू के बारे में कहा जाता है कि ये चालाक पक्षियों में एक होता है जो रात के समय एक्टिव रहता है। अक्सर आपने इन्हें पेड़ों के खोखले तनों में घोंसला बनाते हुए देखा होगा, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले एल्फ उल्लू के बसेरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि कांटों से बने जिस कैक्टस के पौधे से लोग दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हीं पौधों को एल्फ आउल अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानता है। जी हाँ, आउल के इस घोंसले तक ना तो कोई शिकारी पहुंचता है और ना ही कोई इंसान। इस तरह अपने इस अनोखे घोंसले में यह आउल बड़ी ही आसानी से सरवाइव करते हैं। नंबर 2, क्लिप्सोलो। क्लिप्सोलो इस पक्षी का घोंसला भी कम अमेजिंग नहीं है। ऐसा क्यों है, यह जानने के लिए इसके नेस्टिंग स्टाइल को समझना जरूरी है। अब तक आपने ऐसे पक्षियों को देखा होगा जो पेड़ों पर या जमीन में अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन क्लिप्सोलो तो और एक कदम आगे है। ये पक्षी तो दीवारों पर नेस्ट बनाने के लिए फेमस है, यानी पक्षियों की दुनिया में भी कलाकारी की कोई कमी नहीं है। अब तक आपने मधुमक्खी को ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ये पक्षी तो उन्हें भी फील कर सकते हैं। ये अपने घोंसले को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। इन्हें अपना घोंसला बनाने में 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। दरअसल ये अपना घोंसला कीचड़ से बनाते हैं, साथ ही इसे और मजबूत बनाने के लिए इसमें लकड़ियों के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी छोटी सी चोंच से इतना बड़ा काम करने वाले इस बर्ड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1, फाल्कन। जिस तरह इंसान एक ही जगह पर घर बनाकर कई वर्षों तक रहते हैं, फाल्कन भी कुछ इसी तरह से अपने घोंसलों का चुनाव करते हैं। हालांकि ये इसे बनाने में ज्यादा मेहनत तो नहीं करते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए इन्हें काफी पसीना बहाना पड़ता है। इस पक्षी को चील की प्रजाति का सदस्य माना जाता है, जो अपने रोबदार अंदाज के लिए जाना जाता है। यह ऊंचे पहाड़ों और पुराने मकानों की छत पर अपना बसेरा डालता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनके घोंसले को 1-2 नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जानकार बताते हैं कि एक ही घोंसले को इनकी कई पीढ़ियां इस्तेमाल करती हैं। दरअसल पहाड़ों पर बने होने के कारण ना तो ये जल्दी टूटते हैं और ना ही इन पर कोई कब्जा कर पाता है। इन ताकतवर पक्षियों को इनके घर से निकालना जंगली शिकारियों के बस की बात नहीं है, है ना सबसे अनोखा नेस्ट। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताते जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।